Me, my bag and my book are going to travel the world. और ये ऐसी वैसी जर्नी नहीं है. This is a journey of world food. You and I are going to travel the world one dish at a time. Come travel with me because I'm here to make you taste the world in 21 ways. As I sit here sipping tea, I wonder what all have British left in India. That's another question for another day. But for now, let's cook something British. चलिए शुरू करते हैं बहुत ही क्विक झटपट रेसिपी एंड वेरी सिंपल. नो, दिस इज नॉट सिंपल बिकॉज आई ऑलवेज से इट इज सिंपल. दिस वाज रियली सिंपल, ट्रस्ट मी. पोटैटोज जब आप पीलर खरीदें, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द हैंडल ऑफ द पीलर हैज टू बी इक्वल टू योर ग्रिप. जो प्रेशर है वो आपकी ग्रिप से ही बनता है. द हैंडल ऑफ द पीलर हैज टू बी क्वाइट क्लोज टू योर ग्रिप. There goes the crushed garlic. Now some onions, carrots. Now we'll put some lamb mince. ये तो मैंने आपको बताया नहीं हम बना करें. वी आर मेकिंग अ शेफर्ड्स पाई विच इज अ ट्रेडिशनल डिश फ्रॉम नॉर्दर्न इंग्लैंड, नॉर्दर्न यूके से है और गढ़हरिए का खाना है. यानी कि इट्स अ लोकल रस्टिक फूड जिसमें हम लैम्ब मिंस को भून के और उसके ऊपर टॉप करेंगे मैश पोटैटो और बेक कर देंगे पाई की तरह. इसमें हमने डाली है टोमेटो प्यूरे और उसके बाद हम डाल रहे हैं थाइम. अगर आपको थाइम नहीं मिलता तो धनिया डाल दीजिए, नो प्रॉब्लम. अगर अजवाइन आपके घर के पास होती है तो अजवाइन के पत्ते ज़रूर डालिए. देयर फ्लेवर इज क्वाइट क्लोज टू थाइम. अ लिटिल बिट ऑफ स्टॉक, अ लिटिल बिट ऑफ वुस्टरशायर सॉस. इसमें हम डालेंगे मटर. अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट, क्रश्ड ब्लैक पेपर, थोड़ी सी मिर्ची हम हिंदुस्तानियों के लिए. जो हमारी फिलिंग है वो तैयार हो गई है. आलूओं का पानी निकाल लेते हैं. नाउ वी विल मैश द पोटैटोज. आलूओं को कर लेते हैं मैश. नाउ वी विल ऐड एन एग योक इनटू दिस. अच्छे से मिक्स कर देंगे. अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट. We will just mix the butter into the potatoes. Very nice, nice and smooth. लेकिन picture अभी बाकी है. Just a touch of cream. Cream हमने इसलिए add किया because we want to pipe the mashed potatoes on top. और cream डालने से उसकी consistency piping हो जाएगी. और अब इस आलू को डालते हैं piping bag में. अब थोड़ा सा और हिंदुस्तानी दिल देने के लिए इस डिश को we'll take some coriander, we'll finally chop it and add it to our lamb. Here we go. और इस लैम को हम डाल लेते हैं एक बोल में. और इसके ऊपर अब हम अपने पोटैटो को कर देते हैं पाइप. पाई इज रेडी. लेकिन पाई पाई किस बात की जब तक कि वो बेक ना हो. तो इस पाई से पाई पाई का हिसाब लेते हैं, इसे बेक कर देते हैं. And while our pie is baking, let me introduce you to a winner. Actually, all of us are winners, but here we have a winner of a contest by Victorinox called Cook with Ranveer. Let's welcome Shraddha. Shraddha, please come. Hi, Ranveer. Hello, ji. How are you? All well. आपने रेसिपी क्या भेजी थी पहले ये बताइए. Grilled chicken with barbecue sauce. Nice. And so the recipe that you sent, have you made it before, or it was your own innovation, or how did that come about? I got it from a friend. I cooked for the first time. Added little bit of my own twist and then I sent it. मतलब आपके friend का नाम क्या है? रश्मि निगम। रश्मि जी देखिए अकेली आ गई हैं, आपको बताया भी नहीं होगा इन्होंने। रेसिपी आपसे ली और खुद आ गई हैं मिलने। So we have a recipe for you to taste. I'll get it for you. Shraddha. जी. So the Tweety bird told me that you are a non-vegetarian. Are you? Yep. चलिए फिर तो बच गए। So we've made a non-vegetarian dish for you. Let me garnish it. थोड़ा thyme है। बहुत अच्छा है। दिखने में ना? हाँ। खा के पता चलेगा ना। आपने बनाया तो अच्छा ही होगा, खाने में भी। You might be mistaken. बहुत अच्छे हैं। Thank you very much. Very, very nice meeting you. Have a lot of fun and keep cooking और अच्छी-अच्छी रेसिपीज भेजते रहिए. Victorinox and Ranveer are waiting for more interesting recipes. Thank you so much. Cool. Have fun. Bye. From the villages of northern England, now it is time to go वहाँ जहाँ पे वादियाँ हंसी हैं और आसमां खुला है. The journey to taste the world in 21 ways continues. Next stop, Switzerland.